नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे DFCCIL की तरफ से जारी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL की तरफ से डिप्लोमा के छात्रों के लिए तथा साथ में ITI के छात्रों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए हम DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर चल के वैकेंसी का डिटेल्स देख लेते हैं। आप ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट में जाइएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/DR/2023, इसको आप डाउनलोड करिएगा। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद चलिए हम पहले डिटेल में आपसे को बता देते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अप्लीकेशन फीस तथा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे हम देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। DFCCIL का एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने का डेट 20/5/2023 से शुरू किया गया है और लास्ट डेट 19/6/2023 रखा गया है। यदि देखा जाए तो 26/6/2023 से 30/6/2023 तक ऑनलाइन फॉर्म के करेक्शन के डेट रखी गई है। बात करें स्टेज फर्स्ट यानी CBT टेस्ट की तो अगस्त 2023 रखा गया है। स्टेज सेकेंड CBT टेस्ट की बात करें तो दिसंबर 2023 में होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है मार्च 2024 में किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वैकेंसीज के बारे में। पहली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव सिविल की है, जहां पे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 रखी गई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, 50 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसी रखी गई है। यदि आप डिप्लोमा पास आउट हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई से, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की दी है, जहाँ पे 235 वैकेंसी रखी गई। यह वैकेंसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है जो मिनिमम 60% मार्क्स किए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बहुत अच्छी है, 235 रखी गई है। अगली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है, जहाँ पे 3 ईयर बैचलर डिग्री कॉमर्स से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी रखी गई है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBS हैं या BMS हैं या HR से आप पास आउट हैं, तो आप इस फॉर्म को लिए एलिजिबल रहेंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 19 रखी गई है। अगली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के है, यहाँ पे 3 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी यदि आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है या फिर आप BCA किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 दी गई है। अगली वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें टोटल 24 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में 60% के साथ यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से या पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। अगली वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की है, यहाँ पे भी ITI के छात्रों के लिए है। यदि आप ITI किए हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम्प्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ढेर सारे एजुकेशन को कंबाइंड किया गया है। इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप ये फॉर्म एक बार जरूर देखिएगा। अगली वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की है, जहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी दी गई है। 60% मार्क्स यदि आपके पास मैट्रिकुलेशन में है और 2 साल का कोर्स आपने ITI का किया है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। वो भी फीटर यानी मैकेनिकल की वैकेंसी है, तो यहाँ पे फीटर से ITI पास होना है। इन सभी वैकेंसियों के बाद हम अब चलते हैं एज लिमिट की तरफ। तो इस वैकेंसी में एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 साल रखी गई है। एज का कैलकुलेशन 1/7/2023 से किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहां पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये रखा गया है। इसके साथ ही यदि कोई अदर चार्ज लगेगा तो भी वो कैंडिडेट के द्वारा ही दिया जाएगा। SC/ST PW सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड है।
हमने इस वीडियो में सभी मेन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और छूट गए हैं जो कि फॉर्म अप्लाई के बाद आपको जरूरत पड़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि सभी प्रकार का जॉब अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथ में फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज आती है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारे सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।